सभी बच्चे ध्यान से पढ़ रहे होते हैं। बच्चों, हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु मिलकर वाटर यानी कि पानी बनाते हैं। ये पानी का रासायनिक फॉर्मूला है। लेकिन सर, ये पता कैसे चलता है कहाँ पर पानी की बूंद को जांचते कहाँ पर है? ये सब काम साइंस लैब में होता है बच्चों। क्या हाइड्रोजन आँखों से दिख जाता है? नहीं, ये हमारी देखने की क्षमता से बहुत छोटे होते हैं। इनको विशिष्ट यंत्रों से देखा जाता है। एक काम करते हैं, इस शुक्रवार को मैं आप सबकी साइंस लैब में विजिट करवाऊंगा। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर वही मिल जाएंगे। ओके सर। फिर शुक्रवार आ जाता है। बच्चों, हम सभी साइंस लैब जाएंगे। एक बात का ध्यान रखना, लैब में किसी चीज को छूना नहीं है, केवल देखना और ऑब्जर्व करना है। साथ ही वहीं पर सभी उपकरणों के बारे में जानकारी दी जाएगी। सब लोग एक लाइन में रहेंगे और डेकोरम बनाकर रखेंगे। ओके सर। थोड़ी देर में सब बच्चे लाइन बनाकर साइंस लैब पहुंच जाते हैं। वहां जाकर सभी बच्चों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। इतनी सारी मेजों पर ऊंचे ऊंचे उपकरण। टीचर सबको माइक्रोस्कोप दिखाते हुए बोलना शुरू करते हैं। ये है माइक्रोस्कोप, इसको हिंदी में सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। हमारी आंखों से किसी भी चीज को देखने की एक क्षमता होती है। आंखों से ना दिखने वाली वस्तुओं को इसके द्वारा देखा जाता है। इसकी खोज एंटनी वैन लीवेनहॉक ने की थी। जूलॉजी और बॉटनी में कोशिका तक को देखने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसकी क्षमता लेंस के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। वाओ, ये तो कमाल की चीज है सर। क्या मैं इसमें सेल देख सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप सभी एक एक करके इसके अंदर से चीजों को देखो। पानी के अंदर एक ड्रॉप में क्या क्या कीटाणु होते हैं वो भी आपको दिख जाएगा।